रुको रुको रुको, अगर तुमने इस वीडियो को ओपन कर दिया है तो पूरा देख ही लो। अगर कल तुम कल की 2898 एडी मूवी देखने जा रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलो शुरू करते हैं। गुरुलोक कल की 2898 एडी का सेकंड ट्रेलर आ चुका है और इस ट्रेलर की स्टार्टिंग में एक ब्यूटीफुल सा बीजीएम सुनने को मिलता है। ये बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने में इतना ज्यादा अच्छा लगता है, मैं बता रहा हूँ भाई, साउथ वालों के पास म्यूजिकल पावर है। हाँ वो बात अलग है, इनके गाने और अच्छे हो सकते थे मगर पावर तो है इनके पास। तो गुरु कल की 2898 एडी का सेकंड ट्रेलर का पोस्टमार्टम करते हैं फिर, मतलब ब्रेक डाउन यार। गुरु कल की 2898 एडी के सेकंड ट्रेलर के पहले सीन में हमको ये दिखाया जाता है कि एक पानी की बूंद शिवलिंग पर आकर गिरती है और अश्वत्थामा को ये पता लग जाता है पानी पृथ्वी से ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और अब समय आ चुका है कल्की को ढूंढने का। मगर यार पानी खत्म होने से कल्की को ढूंढने का क्या मतलब, चलो समझाता हूँ। हमारे ग्रंथों में ऐसा कहा गया है, कलयुग में इंसान पृथ्वी को इंसानों के जीने लायक नहीं छोड़ेंगे और बुराई अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी होगी और हमारी जो तीनों नदियां हैं गंगा यमुना सरस्वती, ये तीनों नदियां सूख चुकी होंगी और कली इस दुनिया पर आ चुका होगा और भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार में आएंगे कल्की बनकर कलयुग को खत्म करने के लिए और कली को मारने के लिए और उनका साथ देंगे सातो चिरंजीवी। अब ये सातो चिरंजीवी है कौन, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आई बटन में दिख रहा होगा, जाके देख लेना। अश्वत्थामा को ये पता था कि कल्की भगवान कब आने वाले हैं, इसलिए वो निकल जाते हैं उनको ढूंढने के लिए और वो उनको मिल भी जाते हैं, जो हमको इस ट्रेलर को देखने के बाद पता लग रहा है। और फिर इस ट्रेलर के सेकंड सीन में हमको दिखाया जाता है संबाला और ये वही जगह है जहां पर कल्की भगवान का जन्म होगा और इस जगह पर आज भी इंसान बिना किसी के गुलाम बने अपनी मर्जी से रह रहे हैं। गुरु संबाला के लोगों के पास अपनी खुद की एक आर्मी भी है जो इस जगह को प्रोटेक्ट करती है यास्किन के लोगों से। अब ये जगह इतनी खास क्यों दिखाई गई है, ऐसा कहते हैं कि कल्की भगवान का जन्म संबाला में ही होगा। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि जैसा अभी तक हमको पिछले ट्रेलर में दिखाया था वाराणसी, वहाँ पे मतलब पानी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और बिल्कुल सूखा पड़ा है वहाँ पे, मगर ऐसा यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलता। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हरियाली भी होगी और पानी भी होगा क्योंकि बारिश हमको देखने को मिल जाती है इस ट्रेलर में। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में अश्वत्थामा एक एपिक लाइन बोलते हैं, भगवान के अंदर पूरी सृष्टि होती है मगर आपके अंदर तो भगवान है, भाई इस लाइन ने दिल छू लिया। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में अश्वत्थामा समती को लेकर संबाला पहुंच जाते हैं। अब इस सीन को आप ध्यान से देखो, आप लोगों को पता लगेगा अश्वत्थामा की जो बॉडी साइज है वो नॉर्मल इंसान से थोड़ा ज्यादा बड़ा है और ये साफ पता लग रहा है इन दोनों सीनों को देख के। इस सीन को देखो, समिति के पैर अश्वत्थामा के हाथ पर है और वो पैर कितने छोटे लग रहे हैं। हाँ माना आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि लड़कियों के पैर थोड़े छोटे होते हैं मगर इस सीन को देखने के बाद तो कंफर्म हो जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ भाई डायरेक्टर हो तो ऐसा हो, नाग अश्विन ने इस मूवी की एक ही डिटेल पर काम करा है, मतलब आपको शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। क्योंकि महाभारत के टाइम पर इंसानों का जो साइज होता था वो 10 से 12 फीट का होता था और अब इंसानों का साइज थोड़ा छोटा होने लगा। बॉडी साइज की बात करो वैसे मैं, आपके इंसानों के जैसे कर्म छोटे होते चले गए वैसे ही उनकी हाइट छोटी होती चली गई, कर्म छोटे हाइट छोटी बॉडी छोटी और बाकी तुम समझ ही गए हो। कट टू नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि सुमति के पैर पड़ते ही संबाला में बारिश होने लगती है और ये सब लोगों को पता लग जाता है कि भगवान आने वाले हैं। मगर मुझे ये लगता है कि ये एक परीक्षा होगी आम जनता को समझाने के लिए कि सुमति ही कल्की की माँ है, क्योंकि तुम्हें पता है लोग ऐसे भरोसा नहीं करते जब तक कोई चमत्कार न देख ले। और उसके बाद इस ट्रेलर में हमको छोटी छोटी क्लिप्स दिखाई जाती है जिसमें भैरवा और अश्वत्थामा की फाइट होती है। यार इन दोनों की जो फाइट होने वाली है ना वो कुछ एपिक ही होने वाली है, वरना इतनी कटौती कौन करता है फुटेज काटने में, मतलब दिखाई नहीं रहे इन दोनों की फाइट यार, बहुत ही गंभीर। और उसके बाद एक छोटी सी क्लिप दिखाई जाती है हमको महाभारत के समय की, इसमें अश्वत्थामा को किसी ने फेंक कर मारा है। अब वो दूर फेंकने वाला कौन है, कुछ लोग भीम भी कह रहे हैं, कुछ लोग लॉर्ड कृष्णा भी कह रहे हैं, मगर ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, तुमको ये क्या लगता है कमेंट करके बता देना। और गुरु महाभारत के समय की जो सिनेमेटोग्राफी है ना वो देखने में इतनी औसम लगती है, उसके आगे तो शब्द भी छोटे पड़ जाए। मैं नागार्जुन जी से ये कहना चाहता हूँ, अगर आप महाभारत पे पूरी एक सीरीज भी बना दो ना तो मैं तो तैयार हूँ उसको देखने के लिए अभी से ही। महाभारत वाले सीन देखने के बाद मुझे याद आ गई जस्टिस लीग स्नाइडर कट की, क्योंकि इस मूवी में भी कुछ इस टाइप का सीन दिखाया था। इस मूवी की स्टार्टिंग में डार्क साइड पृथ्वी पर आकर कब्जा करने की सोचता है, फिर सारे पावरफुल गॉड्स आते हैं उसको रोकने के लिए और वो स्टार्टिंग वाला सीन लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया कि लोगों ने ज्यूस को लेकर एक सोलो मूवी की डिमांड कर दी, क्योंकि मार्वल ने तो लोगों को काट दिया ज्यूस को ऐसा दिखाकर। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है मूवी का मेन विलन सुप्रीम यास्की उर्फ कली, जो इस टाइम पर थोड़ा कमजोर है और लोगों का खून चूस कर काम चला रहा है। यार ये लाइन में क्यों लिख देता हूँ मुझे खुद याद नहीं रहता, मुझे इस टाइम पर ये लग रहा है कि कली की जो बॉडी है वो कली की जो रियल पावर है उसको अफोर्ड नहीं कर पा रही, जब भी वो इतना ज्यादा बूढ़ा हो चुका है और इन ट्यूब्स के ऊपर जिंदा है। फिलहाल अभी तो मुझे देखने पर कुछ ऐसा ही लग रहा है, मगर एक बात और है, सुप्रीम यास्की उर्फ कली को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये भी उसी समय का है जिस समय के अश्वत्थामा है, मतलब महाभारत के समय के। अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो मुझे अभी नहीं पता, मगर मुझे ऐसा इस सीन को देखने के बाद ही लगा ये पैर असल में कली का भी हो सकता है। अगर ये बात सच हो जाए तो अपने भाई को क्रेडिट देना मत भूलना, ये बात गलत हो जाए तो ये बात ही भूल जाना। फिलहाल अभी तो सुप्रीम यास्की को बुरा टाइम चल रहा है और वो इन ट्यूब्स के ऊपर जिंदा है। अब ये ट्यूब्स आ कहां से रही है, अभी तो देखने पर कुछ ऐसा लग रहा है कि ये ट्यूब्स इन दोनों की बॉडी से जुड़ी है, तो शायद कली जिंदा रहने के लिए इन बॉडीज का खून चूस रहा है। यार फिर से गंदी लैंग्वेज,
इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है बहुत सारी लेडीज को कॉम्प्लेक्स में एक्सपेरिमेंट के लिए रखा हुआ है। और वो एक्सपेरिमेंट क्या होगा, शायद कल्कि को ये पता है कि कल्कि का आने का समय आ चुका है। मगर एक थ्योरी ऐसी भी है जिसमें सुप्रीम एल्स की एक ऐसा शरीर ढूंढ रहा है जिसमें वो सदा जिंदगी के लिए अमर हो जाए, मतलब उसका शरीर कभी बूढ़ा ना हो जो इस टाइम पर हो रहा है। शायद चाह रहा हो ऐसी, मूवी के आने के बाद पता लगेगा। और सुमति को भी ये पता लग जाता है कि यहाँ पर कुछ गलत चल रहा है और वो वहाँ से भाग जाती है। और उसके बाद सुमति को अश्वत्थामा मिल जाते हैं और अश्वत्थामा को ये पता लग जाता है कि सुमति ही कल्कि को जन्म देगी। सुप्रीम यास्कि को भी ये पता लग जाता है कि जो उसको चाहिए वो सुमति के पास है, उर्फ SUM-18, इस मूवी में उसका नाम यही है। और उसके बाद अगेन मिक्स फुटेज दिखाई जाती है महाभारत के समय की और प्रेजेंट के समय की। यास्किन के लोगों को ये पता लग चुका है कि सुमति कहाँ पर है और वो वहीं पर पहुंच जाते हैं यानी संभाला में, और यास्किन के लोग वहां पर जाकर आक्रमण कर देते हैं। और इस सीन को देखने के बाद ये साफ पता लग जाता है कि संभाला के लोग भी कुछ कम नहीं है भाई, उनके पास अपनी खुद की एक वकांडे वाली शील्ड है जो उनके पूरे माउंटेन को प्रोटेक्ट करके रखती है। और लास्ट में फिर से मिक्स फुटेज दिखाई जाती है जिसमें अश्वत्थामा के ऊपर भैरवा एक मिसाइल मारता है और फिर अश्वत्थामा उस मिसाइल को पकड़कर वापसी भैरवा के ऊपर मार देते हैं। भाई मतलब ये कुछ भी चल रहा है यार। और फिर एक एपिक सीन आता है जिसमें बुज्जी ट्रांसफॉर्म हो चुका है एक वॉर मशीन में, उसका ट्रांसफॉर्मेशन वाला सीन भी दिखा देते ना तो मजा ही आ जाता, मगर फिर भी इससे काम चला लेंगे। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बैटल है ये फाइनल बैटल होने वाली है और यहीं पर अकल आ जाएगी भैरवा को कि उसे साथ किसका देना है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके टाटा बाय बाय।